अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी महन रमान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को फाइनली जो है वो मम्मा के सैलून का टूर दूंगी। जब इसकी ओपनिंग हुई थी तब तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने थोड़ा ब्रेक पे थी मैं, तो अब एक वीडियो मैंने गलती से डाली है तो फाइनली अब मैं ये अपलोड करने लगी। क्योंकि आज मैं आई थी, मैंने अपना फेशियल करवाया और वैक्सिंग वगैरह कराई, तो मैंने सोचा कि सैलून टूर की भी वीडियो। और फिर ये वाला जो सेक्शन है सारा, जहाँ पे ये चेयर्स पड़ी हैं, ये है उसका कटिंग का सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये जो मिरर्स लगे हैं बहुत प्यारे मिरर्स हैं, इनकी लाइट से बहुत प्यारी एस्थेटिक सी वाइब आती है। तो आप लोग ये मिरर देख सकते हैं कि ये कैसे हैं। उसके बाद वो सामने अगर आप लोग देखें तो ये हमारा पेडी मैनी का सेक्शन है, ठीक है। ये दो हमारे पास वो है सोफा सेट, ये नीचे भी ग्रास लगी हुई, इससे बहुत प्यारा सा इफेक्ट आ रहा है, ये आप लोग देखें। इसके बैक पर जो ये कर्टन है ये भी हमने फ्लोर के साथ मैच करके लगवाए हैं, सब कुछ जो है वो हमने मैचिंग में लगवाया है। यहाँ ब्राइड के नेल्स होते हैं, नेल पॉलिश वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ना, ये हमारा मेकअप का सेक्शन है ब्राइड के, क्योंकि हमारे पास और कोई जगह नहीं थी तो हमने इसी को इस तरह यूटिलाइज़ किया कि जो सारे हमारे सेक्शन है वो एक ही फ्लोर पर एक ही हॉल में मैनेज हो सके, तो इसलिए ये सामने मैं खड़ी हूँ। तो इसलिए जो है वो हमने ब्राइट का ये कि ये हमारा पानी का डिस्पेंसर पड़ा हुआ है। सबसे मेन चीज़ है ना वो ये है, ये फेशियल रूम, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है ना वो ये फेशियल रूम है। आप लोग देखें यहाँ ये हमारे तीन बेड पड़े हुए हैं, सही है। ये यहाँ पर ऐसा करके वॉल पेपर लगा है, वो वहाँ पर ग्रीनरी लगी हुई, ये हमारी ब्यूटीफुल सी लाइट्स हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो पूरा फेशियल है वो फेशियल रूम है उसकी लुक चेंज हो रही है। ये यहाँ सामने भी इस तरह का जो है वो वॉलपेपर लगा हुआ है। ये फ्रेम जो है ये उठानी है, इसको कहीं लगाना नहीं है, बहरहाल इसको घर लेके जाने मेरे ख्याल से। वो जो है वो स्टेबलाइज़र पड़ा हुआ, और ये जो ऊपर लाइट्स है ना, ये जब मैंने फेशियल करवाया था तब ये लाइट्स ऑन हुई थी, तो मैं आप लोगों को इसके बाद वो क्लिप भी दिखाऊँगी कि वो
कर आया है और ये आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट किस कदर चमक रहा है मेरा फेस। और अब मैं सैलून टूर की वीडियो बनाती हूँ। ये बेबी सो जाए तो ये बेबी नहीं सो रहा। हम थोड़ी देर पहले ही सैलून से घर आए हैं और मैं जो है खाना खाया और अभी फिर मैं अपना ये मेकअप रिमूव करने लगी हूँ, जो कि मैंने सिर्फ एक घंटे में अपना कैमरा सेट किया खाली। और ये जो मैं क्लींजर यूज़ कर रही हूँ ये है डर्मीरा का, क्योंकि ये आप भी बहुत ज़्यादा स्किन केयर यूज़ करती है तो ये सारी प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ यूज़ सीखी हैं। ये ब्रश वाली चीज़ों का ये फ़ायदा होता है कि ज़्यादा जो आपके वो है मेकअप वगैरह वो आसानी से रिमूव हो जाता है। और बेसिक जो मुझे मसला होता है तो वो होता है उसका लिपस्टिक का, क्योंकि लिपस्टिक नहीं उतरती मेरी। अभी मेरी मेकअप भी रिमूव हो गया और क्लींजिंग भी हो गई है डन, तो उसके बाद मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी जो कि उसी ब्रांड का है लेकिन इससे इसका वो उतर गया, लेबल उतर गया, तो ये मैं मॉइस्चराइज़र भी लगाऊंगी। आज मैंने फेशियल नहीं करवाया तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्किन पे बहुत कुछ हुआ है आज, तो सिर्फ ये नाइट सीरम लगा रही हूँ और मेकअप रिमूव करने के लिए मैंने वो लगाई है क्या नाम है मेकअप रिमूव करने के लिए क्लींजर यूज़ किया, वो उसका कोई इशू नहीं है। और ये नियरोनिक का है ये एक्नी सीरम, एक्नी कंट्रोल सीरम। तो उसके बाद ये मैं विटामिन सी सीरम लगा रही हूँ। सीरम्स को बिल्कुल लाइटली हैंड से हम यूं अपने फेस पे करते हैं।